नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है गाजीपुर से। गाजीपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरफ लोग कोरोना संकट से दहशत में हैं, वहीं चोरी की घटनाओं ने भी लोगों की नींद हराम हो रखी है। सूचना के अनुसार रेवतीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा टौगा में 22 मई की रात्रि चोरों ने विजय उपाध्याय के घर में मध्य रात्रि घुस कर नकदी उड़ा लिया। इसी गांव में इस घटना से एक पखवाड़ा पहले एक अन्य व्यक्ति के घर से दो मोबाइल ले उड़े। बताया जाता है कि विगत 3 साल से इस गांव में दर्जनों चोरियां हो चुकी हैं और चोर लाखों का माल चुरा चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस की कुंभकर्णी नींद नहीं खुल रही है। गत 3 दिन पूर्व विजय उपाध्याय के घर हुई चोरी की सूचना के बाद 112 नंबर रेवतीपुर पुलिस पहुंची ज़रूर, पर उसके बाद सक्रियता कम हो गई है। इस घटना में फॉरेंसिक टीम द्वारा फुटक्राफ्ट फिंगरप्रिंट आने के बाद भी रेवतीपुर पुलिस का रवैया देखकर लगता नहीं कि वह चोरी की घटना को गंभीरता से ले रही है। इससे पूर्व दिलीप उपाध्याय, चंद्रशेखर उपाध्याय, पप्पू, प्रेमनाथ उपाध्याय, पहाड़ी चौधरी सहित दर्जनों ग्रामीण के यहाँ ऐसी वारदात हो चुकी है। इन चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश तो दूर, इसे गंभीरतापूर्वक संज्ञान भी नहीं ले रही, जिस कारण चोरी की घटनाओं में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। विजय उपाध्याय, रामनिवास उपाध्याय, चंद्रशेखर उपाध्याय, रामू, पिंटू, विहिप नेता दिलीप उपाध्याय, प्रेमनाथ उपाध्याय, राजू, अध्यापक संजय उपाध्याय, स्वास्थ्यकर्मी अभिषेक आदि सैकड़ों लोगों ने पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि लगातार हो रही चोरी की घटना को गंभीरता से लेकर प्रदेश सरकार की भयमुक्त, अपराध मुक्त अभियान को सफल बनाने की दिशा में कठोर कार्रवाई की जाए। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।